नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक कैम्पलीफाई में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको पता होगा कि कई सारे यूट्यूबर बनना चाहते हैं या फिर कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि वीडियोग्राफी करना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने स्मार्टफोन की मदद से एक प्रोफेशनली वीडियो शूट कर सकते हो। प्रोफेशनली का मतलब होता है कि एक अच्छी क्वालिटी की 4K रिकॉर्डिंग की वीडियो आप कैसे शूट कर सकते हो और उसे कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो, उसका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, सारी चीज़ें, कौन कौन सा इक्विपमेंट आपको चाहिएगा, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को यदि आप एंड तक देख लेते हो तो मेरी गारंटी है कि आप यदि कैसी भी वीडियो बनाते हो, जैसा कि पहले मैं ऐसी वीडियो बनाया करता था, जैसा कि आप देख सकते हो इसमें लाइटिंग टेंशन नहीं है, एंगल भी सही से नहीं है, बैकग्राउंड भी अच्छा नहीं है, सारी चीज़ें अच्छी नहीं है, लेकिन अब मैं फिलहाल मैं ऐसी वीडियो बना रहा हूँ जैसा कि आप मेरी देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ इक्विपमेंट सेम है, लेकिन बस उनको रखने का, उनको यूज़ करने का तरीका अलग हो गया है। बस ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को जरूर से एंड तक देखना। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर क्लिक कर देना। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मेनली 5 पॉइंट्स होने वाले हैं और सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की। पॉइंट नंबर 1 है कि नो DSLR ओनली स्मार्टफोन, यानी कि जिस स्मार्टफोन में आप ये वीडियो देख रहे हो उसी स्मार्टफोन को आपको यूज़ करना है, कोई भी DSLR बाय नहीं करना, ना ही कोई हाई रेंज का यानी कि महंगा स्मार्टफोन बाय करना है। इसी स्मार्टफोन से आप काफ़ी अच्छी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे पॉइंट की जो कि आता है लाइटिंग। लाइटिंग एक सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट वर्क करती है। जैसा कि आपको पता होगा मेरा स्मार्टफोन भी 10,000 रुपये का है। मैंने प्रीवियस वीडियो में बता चुका कि मेरे पास कौन सा स्मार्टफोन है। यदि आपको पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि मेरे पास इस टाइम पर कौन सा स्मार्टफोन है, और यदि आपको नहीं पता है तो मैं आपको जो है कमेंट करके बाद में बता दूंगा या फिर आप अगली वीडियो में देख लेना। अब बात करते हैं दोस्तों लाइटिंग क्यों मैटर करती है। कि यदि स्मार्टफोन 10,000 से 12,000 रुपये का है, 15,000 रुपये का है, 20,000 रुपये का है, चाहे फ़ोन 1,00,000 का, चाहे DSLR है, जब तक लाइटिंग आपकी बढ़िया नहीं होगी, लाइटिंग बढ़िया का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सॉफ्ट बॉक्स की जरूरत है या फिर कोई बढ़िया रिंग लाइट की जरूरत है, नॉर्मली आप ट्यूबलाइट से भी काम चला सकते हो। जैसे कि आपके घरों में ट्यूबलाइट होती है, जैसे कि आपको पता हो मैं भी इस टाइम ट्यूबलाइट का यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन काफ़ी अच्छी क्वालिटी निकल कर आ रही है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे में कुछ ऐसा सेटअप हो रहा है जिससे मैं लाइटिंग को यूज़ कर रहा हूँ और मेरे पीछे ना तो कोई भी शेड आ रही है ना कुछ आ रहा है और काफ़ी अच्छी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। तो लाइटिंग का आप कुछ यूज ऐसा कर सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे दूसरे नंबर के पॉइंट की जो कि आता है माइक, यानी कि आपको अपनी ऑडियो रिकॉर्ड कैसे करनी है। तो जैसा कि आपको पता होगा मैं बोया BY-M1 माइक को यूज़ करता हूँ, उसकी अनबॉक्सिंग में काफ़ी टाइम पहले रिकॉर्ड कर चुका हूँ। तो अनबॉक्सिंग की वीडियो देखने के लिए लिंक मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आपको बाय करना है तो आप अमेजन से जाके BY-M1 लिखकर उसे बाय कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा अच्छा माइक है, बिगनर्स के लिए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा ही है। मैं भी शुरू से लेकर अब तक इसी से वीडियो बनाता आ रहा हूँ, 800-900 रुपये में ये माइक आ जाता है। तो मैं माइक आपको पूरा दिखा देता हूँ कि ये पूरा माइक है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो ये पूरा का पूरा माइक है, काफ़ी अच्छी लेंथ के साथ भी आता है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी भी इसकी होती है। तो दूसरे नंबर पर जो माइक आता है वो आप इसे परचेस कर सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे नंबर के पॉइंट की जो क्या था बैकग्राउंड। बैकग्राउंड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अब ऐसा होता है कई लोग क्या करते हैं कि बिल्कुल प्लेन बैकग्राउंड के आगे बैठकर वीडियो बनाते हैं, उनसे एक दिक्कत आती है कि पहले नंबर तो ये दिक्कत आती है कि जैसे कोई लाइटिंग में अगर थोड़ी सी भी दिक्कत है तो पीछे शेड आने लग जाती है, और दूसरे नंबर की दिक्कत ये है कि आवाज़ भी गूंजने लग जाती है। मतलब जिस कमरे में जिस जगह आप बैठे हो उसमें थोड़ा बहुत सामान होना चाहिए जिसकी वजह से जो है एको जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अब जैसा कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हो काफ़ी सारी चीज़ें, जैसा कि मेरा PC है और काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई हैं, फ्रंट में भी मेरे काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई हैं, तो मेरी आवाज़ बिल्कुल भी एको नहीं होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप थोड़ा सा बैकग्राउंड को इम्प्रूव कर सकते हो। जैसे कि आपको दिख रहा है मेरे पीछे पोस्टर्स वगैरह लगा रखे हैं, पोस्टर्स को बाय कर सकते हो। जैसे कि आपको दिख रहा होगा मैंने भी काफ़ी ज़्यादा पोस्टर्स लगा चुके हैं, और ये पोस्टर्स मैंने ऑफलाइन परचेस किए, मतलब खुद ने ही कंप्यूटर ई-मित्र वाले से बनवाए हैं, और आप इनको ऑनलाइन भी बाय कर सकते हो, आप खुद भी आप जो है निकलवा सकते हो, काफ़ी सस्ते पड़ जाते हैं, 100-200 रुपये में सारे पोस्टर्स आ गए थे। और दूसरा मैं आपको बता दूँ थोड़ा और एडवांस अच्छा करने के लिए आप ये जो RGB लाइट मैंने यूज़ की हुई है उनको आप यूज़ कर सकते हो। ये एक उनका कंट्रोलर आता है, मैं आपको कलर चेंज करके दिखा, जैसे ग्रीन कलर में करूँ तो ग्रीन कलर कुछ ऐसा हो जाता है। और दोस्तों एक बार मैं आपको इनको बंद करके भी दिखा देता हूँ कि इनको बंद करने से क्या इफेक्ट आता है। तो दोस्तों अब मैंने RGB लाइट को बंद कर दिया, और RGB लाइट बंद करने के बाद कुछ ऐसा इफेक्ट आता है और ऑन करने के बाद कुछ ऐसा इफेक्ट आता है। तो आप मेनली अंतर देख ही सकते हो कितना ज़्यादा अंतर इनकी वजह से आ जाता है। ये लाइट्स भी 2 मैंने परचेस की थी अमेजन से, जो कि 400-450 रुपये में दोनों आ गई थी, और काफ़ी अच्छी यूजफुल लाइट है। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे 5वें नंबर के पॉइंट की जो कि आता है बैकग्राउंड नॉइस, यानी कि
आपको किसी ऐसे कमरे में या किसी ऐसे जगह पर बैठना है कि जिस टाइम पे बाहर बिल्कुल भी नॉइज़ ना हो, यानी कि बाहर के बच्चों के खेलने की आवाज़, गाड़ी मोटरसाइकिल चलने की आवाज़ नहीं आ रही हो। दूसरे नंबर पर आप ऐसे टाइम पर भी वीडियो बना सकते हो, जैसे आप कहीं ऐसे इलाके में रहते हो जो दिन में बच्चे खेलते हैं, बाइक वाइक जाती हैं, तो आप रात के टाइम पर वीडियो बना सकते हो, और रात के टाइम पर नहीं बना सकते तो दिन में बना सकते हो, सुबह के टाइम बना सकते हो। लेकिन एक जब एक्स्ट्रा में नॉइज़ आती है तो काफ़ी बेकार ऑडियो लगती है और अच्छी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती है। तो आपको या तो कोई ऐसी जगह पर बैठ के बनाना है जहाँ बाहर का साउंड नहीं आए, या फिर आपको किसी ऐसी जगह पर वीडियो बनानी है, या फिर ऐसे टाइम पर वीडियो बनानी है जहाँ बाहर के व्हीकल्स की आवाज़ हुई, चाहे बच्चों के खेलने की आवाज़ हुई, वो कम से कम आए। तो ये दो चीज़ें भी आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। या तो अपना टाइम सेट कीजिए, अपनी जगह सेट कीजिए, लेकिन बाहर का नॉइज़ नहीं आना चाहिए। और दोस्तों सबसे बढ़िया बात, मैं आपको एक और लास्ट इंपॉर्टेंट टिप्स दे देता हूँ कि ये सारी चीज़ तो इंपॉर्टेंट सही है जो कि मैंने पाँचों पॉइंट्स आपको बताए, लेकिन इनके साथ ही एक पॉइंट और आता है जो कि इंपॉर्टेंस होता है, जो कि है आपका कंटेंट। आपका कंटेंट अच्छा होगा तो दोस्तों काफ़ी अच्छी वीडियो आप शूट कर सकते हो। YouTube पर लोग आपका कंटेंट देने ही आते हैं, ऐसा नहीं है कि आपके DSLR जरूर होना चाहिए, सॉफ्टवर्क्स या रिंग लाइट जरूर होना चाहिए, बैकग्राउंड में काफ़ी हाईफाई चीज़ें या हाईफाई PC लगा हुआ होना चाहिए, ऐसी कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल स्मार्टफोन से और नॉर्मल लाइटिंग से और नॉर्मल PC से काफ़ी अच्छी वीडियो शूट कर सकते हो, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। और दोस्तों सबसे बात अच्छी बात मैं आपके लिए एक और बता देता हूँ कि आप पे लाइटिंग हो गई सही से, जैसे कि आप मेरे में देख पा रहे हैं, बैकग्राउंड से देख रहे हैं, तो आप जो कपड़े पहने वो भी थोड़े डार्क कलर के पहने, यदि लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं तो उनसे थोड़ा गंदा लुक आता है, मतलब गंदा लुक का इन द सेंस है कि आपकी जो शक्ल है वो फेड आती है और जो बैकग्राउंड है वो अच्छा नहीं आता। मतलब डार्क कलर पहने और पीछे भी थोड़ा डार्क रखें तो उससे क्या है, वीडियो थोड़ी क्वालिटी और अच्छी लगती है। लाइटिंग ज़्यादा ना करें बिल्कुल, जैसे कोई बल्ब है या कुछ भी, उसे बिल्कुल मुंह के पास नहीं लगाएं, उसे थोड़ा दूर लगा कर रखें तो काफ़ी अच्छी इससे लाइटिंग भी आ जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, आप इजीली समझ गए होंगे कि आपको कैसी वीडियो शूट करनी है, कैसी नहीं करनी है, कैसे कैसे लाइटिंग का यूज़ करना है, कौन सा माइक खरीदना, कौन सा नहीं खरीदना, बैकग्राउंड में आपको क्या करना, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी, वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों बिगनर्स के लिए पूरी ये प्लेलिस्ट मैं शूट करूंगा, तो सबसे पहले प्लेलिस्ट आज की वीडियो की ही हो गई है। तो दोस्तों आगे की वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आने वाली है, उसके लिए चैनल को पहले से सब्सक्राइब करके रख लेना। मिलते दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।